To discuss the new chapter and next chapter of class 9, congruency of triangle, and इसी को हम लोग बोलते हैं inequalities in a triangle, है ना? Congruency of triangles, and इसी को हम लोग बोलेंगे inequalities of triangles. ये चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि दिस वन इज वेरी क्रूशियल चैप्टर फॉर क्लास 9, बिकॉज आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. अगर कंग्रुएंसी की का समझ, कंग्रुएंसी चैप्टर का अगर समझ है, कंग्रुएंट फिगर का समझ है, तो आप बाकी आगे जितने भी चैप्टर्स मिलेंगे वो सारे चैप्टर्स का क्वेश्चंस बनाने में हम लोग को काफी सहूलियत मिलेगी, है ना? क्योंकि जितने भी चैप्टर से कहीं ना कहीं वो कंग्रुएंसी और सिमिलरिटीज पे डिपेंड करता ही करता है, इसीलिए इसको बहुत क्रूशियल बोला गया है. और जो बच्चा इस चैप्टर पे, जिसका कमांड हो गया जिस बच्चे का, वो सारे के सारे चैप्टर्स को आसानी से बनाने में सक्षम होंगे. अन्यथा अगर किसी भी तरीके से अवॉइड करेंगे इस चैप्टर को, कहीं भी वीक पॉइंट अगर बनता है तो उसके बाद कहीं भी चैप्टर को संभालना बहुत मुश्किल होगा. और जनरली बच्चा क्लास 9th में बच्चा जो है वो डिस्टर्ब होता है यहीं से, क्योंकि ये कंप्लीट जो है किसी फैक्ट का नहीं, ये कंप्लीट जो है वो कॉन्सेप्ट पे ये बनना शुरू होता है. कॉन्सेप्ट जिस बच्चे का जितना अच्छा होगा वो उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाना शुरू करता है, और उससे उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनना शुरू भी होगा, है ना? इसमें कोई फैक्ट का स्टडी नहीं होता है, कोई न्यूमरल वैल्यू नहीं मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, डिजिट्स नहीं मिलेगा, है ना? क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन को समझ करके जितना बच्चे का IQ मजबूत होता है, जितना उसके अंदर लॉजिक डेवलप करता है, जितना लॉजिक डेवलप करेगा, जितना लॉजिकल होगा वो, उस बच्चे से ये चैप्टर जो वो उतना ही बेहतर तरीके से बनना शुरू होगा. तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है, लॉजिक को डेवलप करना है, चैप्टर्स का जो थ्योरम्स है उसको समझना है. यहीं से चैप्टर का शुरुआत होगा, थ्योरम्स, प्रूफ, टू प्रूफ, प्रूफ, ये सारा का सारा, गिवन, कंस्ट्रक्शन, ये सारा का सारा चीज पढ़ने के लिए मिलेगा इसमें. और यहीं से अगर प्रूफ की बात करते हैं तो बेसिक जो प्रूफ है वो यहीं से होना शुरू हो जाता है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंग्रुएंट फिगर्स को हम लोग चर्चा करते हैं. कंग्रुएंट फिगर क्या है? तो दो फिगर को, टू फिगर्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट इफ बोथ द शेप एंड साइज ऑफ द फिगर आर इक्वल टू वन अनदर. दो फिगर को हम लोग कंग्रुएंट बोलते हैं. कब कंग्रुएंट बोलते हैं? जब दोनों फिगर का शेप भी एक जैसा हो और साइज भी एक जैसा हो. जब ये दोनों केस होगा, शेप भी एक जैसा और साइज भी एक जैसा, तो इसी दो फिगर को हम लोग कंग्रुएंट फिगर कहते हैं, है ना? अब एज पर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC. एक ट्रायंगल लिए ABC, अगर मानते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, है ना? फिर यहां पे हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं DEF, अगर ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि एंगल ए जितना है उतना एंगल बी जितना है उतना एंगल ई, एंगल सी जितना है उतना एंगल ए वाला. और दूसरा ए बी 4 सेंटीमीटर तो इसके बराबर डी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर तो ई 4 सेंटीमीटर, एंड ए सी 4 सेंटीमीटर तो डी 4 सेंटीमीटर, यानी इसका हर एक एंगल इसके हर एक एंगल के बराबर है, और इसका हर एक साइड इसके हर एक साइड के बराबर है. तो क्या देख रहे हैं कि दोनों, यानी ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में इसका शेप इसके शेप के बराबर है, के साथ साथ इसका साइज इसके साइज के बराबर है, तो ये दोनों का दोनों जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे का क्या कहलाएगा? कंग्रुएंट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? कंग्रुएंट कहलाएगा, है ना? दूसरा हम लोग देखते हैं कि कोई 9th क्लास का एक आर एस अग्रवाल का बुक ले लेते हैं, है ना? 9th क्लास का एक आर एस अग्रवाल का बुक ले लेते हैं,
दूसरा नाइन्थ क्लास का ही आर एस अग्रवाल का बुक लेते हैं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर में रखेंगे तो दोनों क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर देता है, कवर कर देता है, कंप्लीटली ढक देता है। यानी दोनों आर एस अग्रवाल का बुक का शेप भी एक जैसा है और साइज भी एक जैसा है। यानी दोनों आर एस अग्रवाल का बुक क्या हुआ, क्या हुआ, दोनों आर एस अग्रवाल का बुक कन्ग्रुएंट हुआ। क्या कहलाया, कन्ग्रुएंट। दूसरा बेटर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, जब एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर में इस तरह से ओवरलैप कराते हैं तो देखो ये दोनों हाथ का शेप भी एक जैसा है और साइज भी एक जैसा है, तो इस दोनों हाथों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे का कंग्रुएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंग्रुएंट बोलेंगे। और भी एग्जांपल देते हैं, एक 100 रुपए का नोट ले लो यानी न्यू वाला है ना, या फिर 100 रुपए में कंफ्यूजन है तो मान लो 500 रुपए का नोट ले लेते हैं, एक 500 रुपए का नोट ले लो फिर दूसरा 500 रुपए का नोट ले लो और दोनों के एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप करा करके देखो तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर देता है। दैट मीन्स क्या, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, शेप रिक्टेंगल है, शेप दोनों नोट का रिक्टेंगुलर शेप है और साइज दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देता है। दैट मीन्स क्या कि ये भी जो है वो क्या है, कंग्रुएंट फिगर ही है। एक 10 रुपए का सिक्का ले लो और दूसरा 10 रुपए का सिक्का ले लो, दोनों 10 का सिक्का को एक दूसरे के ऊपर में रखोगे दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, मतलब ये क्या है, कंग्रुएंट है। क्या है ये, कंग्रुएंट क्वाइन हो गया। लाइन के केस में हम लोग देखते हैं कि एक लाइन लिए यहां पे ए बी और ये लाइन अगर 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा हम लोग लाइन ले रहे हैं सी डी, अगर ये भी सी डी जो है वो 5 सेंटीमीटर का है तो दोनों लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहा है। जैसे ही दोनों लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंग्रुएंट लाइंस। क्या बोलेंगे, कंग्रुएंट लाइंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कोई एक एंगल खींचे, एंगल ए बी सी है ना, ये एंगल अगर 45 डिग्री है और दूसरा भी अगर हम लोग डी ई एफ खींचते हैं, डी ई एफ इसमें क्या देख रहे हैं, ये भी अगर 45 डिग्री का है तो क्या देख रहे हैं कि ये एक जितना ए बी है उतना ही डी ई है, जितना बी सी है उतना ही ई एफ है और जितना एंगल बी है उतना ही एंगल ई है, तो दोनों यानी शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, कंग्रुएंट एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंग्रुएंट एंगल्स बोलेंगे। तो कंग्रुएंसी तो समझ में आ गया कि कंग्रुएंट किसको बोलते हैं, कंग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं, कंग्रुएंसी किसको बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो दो तीन टर्मिनोलॉजी को जानना है, जो दो तीन बातों को जानना है के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये चैप्टर अभी हम लोग कंग्रुएंट पर रहे हैं, जब 10th में आएंगे तो इसी के बेस पे पढ़ना है। सिमिलरिटीज के सेम है, कंडीशन सेम है, सब चीज सेम रहेगा, वहां पे थोड़ा सा का वेरिएशन होता है उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ चीज को जानना है, जैसे कंग्रुएंसी का सिंबल होता है, कंग्रुएंसी का सिंबल कैसे होता है, हम लोग इक्वल टू का साइन लेते हैं, दिस इज द साइन ऑफ इक्वल टू, इसके ऊपर में हम लोग ऐसे खींच देंगे तो ये कहा आएगा कंग्रुएंट। ये सिंबल हो गया किसका, कंग्रुएंसी का। क्या हो गया, कंग्रुएंसी का ये सिंबल हो गया। यानी जब भी हम लोग ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट लिखेंगे डीईएफ के तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, है ना, ये सिंबल लग गया। दैट मींस कि ये इसके बराबर है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के बराबर है, इसका सीधा मतलब है कि ट्रायंगल डीईएफ भी ट्रायंगल एबीसी के कंग्रुएंट है। यानी ये ट्रायंगल इसके कंग्रुएंट के साथ साथ क्या हुआ, ये भी ट्रायंगल इसके कंग्रुएंट हुआ। तो पहला ये चीज समझे। दूसरा इसमें मिलेगा टर्मिनोलॉजी सीपीसीटी, ये मिलेगा है ना। तो सीपीसीटी मिलेगा, दैट मीन्स क्या, सीपीसीटी को ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, ये एब्रीविएशन है ना। इसका क्या होता है, पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, द कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या होगा, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये दो चीजों को यहां पे जानना है। अब इतने चीजों के जानने के बाद हम लोग यहाँ पे थ्योरम्स को पढ़ना शुरू करेंगे। थ्योरम्स समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे थ्योरम में मेन होगा एस 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 ए एस आर एच एस और ए एस ए, ये चार कंग्रुएंसी कंडीशन पढ़ना है। इसके साथ साथ एक दो कॉरिलरी भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। थ्योरम अगर आप बनाने में सक्षम है, थ्योरम अगर बन गया तो है ना,
आप चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो जाएंगे के साथ साथ आपका चैप्टर पे कमांड होगा और चैप्टर पे नहीं क्लास 9 पे ही कमांड आपका होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थ्योरम वन, है ना, थ्योरम वन पढ़ेंगे। थ्योरम वन इसको हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड, है ना, SAS हम लोग लिखे हैं। ये SAS जो है इसी को हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी क्राइटेरिया है। ये एक थ्योरम के तौर पे यहां पे अभी पढ़ना है ना। तो इसको हम लोग जानेंगे। तो SAS कंग्रुएंसी कंडीशंस क्या कहता है कि जब हम लोग कोई दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल में क्या, एक ट्रायंगल ले लिए एबीसी, एक ट्रायंगल ले लिए एबीसी और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं डीईएफ ले लेते हैं, है ना, यहां पे दो ट्रायंगल ले लिए। तो इन गिवेन टू ट्रायंगल यहां पे दो ट्रायंगल ले लिए, टू साइड्स यानी कोई दो साइड ले लेंगे, जैसे एबी और बीसी ही ले लेते हैं, तो टू साइड्स, है ना, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के टू साइड्स, यानी इसका अगर एबी लिए तो इसका डीई लेंगे, है ना, इसका एबी लिए तो इसका डीई लेंगे और इसका बीसी लेंगे तो इसका ईएफ लेंगे। और क्या बोला है, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल है यहाँ पे। इंक्लूडेड मतलब क्या कि इसी दो साइड से बना हुआ एंगल्स को लेंगे, ऐसा नहीं कि ये एंगल और ये एंगल ले लेंगे या फिर इसमें ये एंगल और ये एंगल ले लेंगे। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, तो दो साइड्स ये हुआ एबी एंड बीसी हुआ और इंक्लूडेड एंगल इसका क्या हुआ, एंगल बी। अगर इक्वल है टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, अगर ये दोनों बराबर है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या बोलेंगे इसको, कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हम लोग बोलेंगे। कैसे बोलेंगे उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, कंडीशंस क्या है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहीं से प्रूफ करना शुरू होता है, समझेंगे कि प्रूफ हम लोग कैसे कर देंगे। तो प्रूफ में चलते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवेन। गिवेन क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दे दिया वही उसका गिवेन कहलाता है। तो सबसे पहले जब हम लोग प्रूफ करने के लिए चलते हैं तो सबसे पहला क्या लिखते हैं, गिवेन लिखते हैं, है ना। तो यहां पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ये लिए, इसमें क्या है कि एबी जो है एबी इक्वल टू डीई एंड बीसी इक्वल टू ईएफ, है ना, एबी इक्वल टू ये, एंड यहां पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। अगर ये तीन चीज यहां पे दिया हुआ है, तीन चीज ना क्वेश्चन में दे दिया कि टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल विद इंक्लूडेड एंगल्स इज इक्वल टू टू साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल इंक्लूडिंग विद इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट। क्लियर। तो गिवेन हमारा इतना है। गिवेन के बाद हम लोग जो नेक्स्ट लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, टू प्रूव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू प्रूव, है ना, गिवेन में लिखे, तो ये गिवेन लिखिए, उसके बाद हम लोग लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में यहां पे क्या लिखेंगे कि क्या करना है, क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला गया, प्रूव करने के लिए बोला गया कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल डीईएफ के कंग्रुएंट है। तो यहां लिखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, बस ये लिख देंगे। अब अगर इसको हम लोग कंग्रुएंट करने के लिए चलते हैं, अगर इसको हम लोग कंग्रुएंट करने के लिए चलते हैं तो कहीं कंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे टू प्रूव के बाद कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है तो नहीं लिखेंगे, यहां पे जरूरत नहीं इसलिए नहीं लिखेंगे, है ना। अब यहां पे जो नेक्स्ट लिखेंगे वो होता है हमारा प्रूफ। प्रूफ यानी अब जो जिसको हम लोग को परफॉर्म करना है ना, अब जो हम लोग को जो परफॉर्म करना है उसको हम लोग यहां पे करते हैं, है ना। तो इसमें बहुत ये कॉन्सेप्चुअल है, सबसे पहला थ्योरम है, हमारे पास बहुत कुछ आइडिया है नहीं, तो इसको जो गिवेन दिए हुए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का प्रयास हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, ये जब थ्योरम मिल जाएगा तो आगे इसके लिए हम लोग को बेस पॉइंट मिल जाता है ना। कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखोगे बोला है क्या कि प्लेस ट्रायंगल डी एबीसी ऑन डीईएफ,
प्लेस ट्रायंगल एबीसी ऑन डीईएफ, यानी ट्रायंगल एबीसी को उठा करके डीईएफ पे हम लोग है ना पुट करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लेस ट्रायंगल एबीसी ऑन ट्रायंगल डीईएफ, एबीसी को उठा करके डीईएफ पे रखेंगे है ना, सच दैट, इस तरीके से रखेंगे है ना, सच दैट एंगल ए फॉल्स ऑन एंगल डी, यानी सच दैट एंगल ए फॉल्स ऑन एंगल डी, एंगल ए को एंगल डी पे फॉल करा दिए है ना। उसके बाद हम लोग यहां पे लेंगे एंगल ए एंगल डी पे हम फॉल करा दिए, या फिर एंगल बी को हम लोग लिखते हैं यहां पे, क्योंकि हम लोग ये साइड ये एंगल और ये साइड ले रहे हैं, ए बी एंगल बी और बी सी ले रहे हैं, तो एंगल बी को एंगल ई पे हम लोग फॉल करा दिए एंड कॉमा यहां पे देते हैं है ना, ए बी ओवर लैप ऑन डी, ए बी को ओवरलैप करा दिए डी पे, तो जैसे ओवरलैप करा दिए यानी एंगल बी को एंगल ई पे फॉल कराए ओवरलैप कराए और ए बी को डी के ऊपर में ओवरलैप करा दिए एंड बी सी को बी सी फॉल्स ऑन ई एफ है ना, बी सी को ई एफ के ऊपर में फॉल्स करा दिए। अब क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल एबीसी जो है वो पूरा का पूरा ट्रायंगल डीईएफ को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ढक लेता है, क्या कर लेता है ना, ढक लेता है। दैट मींस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे कि बीसी जैसे ही फॉल्स कर लिया ईएफ पे तो क्या हुआ, देयरफोर यहाँ पे लिखेंगे कि बीसी ओवरलैप बीसी जो है वो ईएफ को है ना, यानी क्या देखें यहाँ पे कि बी को ई पे कॉन्साइड करा दिए और ए बी को डी पे कॉन्साइड करा दिए, उसके बाद क्या देख रहे हैं कि बीसी जो है वो ईएफ को ढक लिया जैसे ही ढका, यानी ये ट्रायंगल इसको ढक लिया जैसे ही ढका, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ बाय, यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं क्या, साइड एंगल क्या हो गया, साइड एंगल से यहाँ पे ये कंग्रुएंट हो गया, बस यहाँ पे इतना ही करना है, एक ये बेस ले लिए क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ अभी आइडिया है नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे जो गिवन चीज दी हुई है उसी के बेस पे हम लोग कंग्रुएंसी करते हैं, क्लियर, ये क्लियर। अब इसके बेस पे हम लोग सेकेंड थ्योरम को पढ़ेंगे है ना, सेकेंड थ्योरम को पढ़ेंगे, इस थ्योरम को ही हम लोग क्या बोलते हैं है ना, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, सेकेंड जो थ्योरम है ये थ्योरम समझ में आ गया। अभी थ्योरम टू हम यहाँ पे कर देते हैं कि द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल थ्योरम नंबर टू the angles opposite to equal sides of a triangles are equal है ना। अब यहां पर क्या है कि angles opposite to equal sides of a triangles are equal, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक आइसोसेलस ट्रायंगल खींचेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है क्या कि द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का इक्वल साइड्स है, दैट मींस क्या कि ट्रायंगल्स का जब इक्वल साइड है तो वो ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, यानी ये साइड इसके बराबर होगा। तो हम लोग को प्रूव करना है कि द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल का ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल जो है वो इस साइड के अपोजिट एंगल के बराबर होगा, ये प्रूव करना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ गिवन जो दिया है, गिवन में क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी है ना, एबीसी एबी इक्वल टू एसी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, एबी इक्वल टू एसी दिया हुआ है ना, तो बस हम लोग के पास जो दिया हुआ है बस इतना ही दिया हुआ है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर में है, तो यहाँ पे हम लोग
प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ क्या करने के लिए बोला है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, यानी टू प्रूफ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कर दिए। अब यहां पे जब चलते हैं तो यहां पे हम लोग को कंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता पड़ती है, कंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता पड़ती है, यानी कोई एक लाइन हम लोग खींचते हैं ए से, कोई एक लाइन खींचती है ए से जो एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए बीसी पे फॉल करता है, यानी यहां पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन वी क्या ड्रॉ अ लाइन ए डी फ्रॉम एंगल ए टू बाइसेक्ट, फ्रॉम एंगल ए टू बाइसेक्ट द एंगल ए and falls on BC, BC पे आकर के ये falls करता है, BC पे आकर के ये falls करता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, bisector खींचे हैं, ये बना दिए यहाँ पे D, bisector बना दिए, बस constructions का काम हम लोग इतना कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, है ना, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इतना हम लोग देख लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लोग चलेंगे प्रूफ में, चलेंगे प्रूफ में, है ना। तो प्रूफ में यहां पे हम लोग का दो ट्रायंगल मिल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दो ट्रायंगल लिए, ये एक ट्रायंगल लिए और ये दूसरा ट्रायंगल लिए, है ना। उसमें क्या देख रहे हैं कि ए बी डी ट्रायंगल में लिख रहे हैं कि ए बी जो है वो एसी डी ट्रायंगल में किसके बराबर है, एसी के बराबर है, ये गिवन दिए हुए क्वेश्चन में दिए हुए ना, ट्रायंगल एबीसी का एबी जो है वो सीडी एसी के बराबर, ये गिवन दिए हुए। अब यहां पे लिखेंगे ये एंगल जो है वो इसके बराबर है, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ये कैसे है, ये कंस्ट्रक्शन से हम लोग किए हैं, कंस्ट्रक्शन में अभी हम लोग खींचे हैं ना कि AD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, दैट मींस कि BAD जो एंगल है वो CAD एंगल के बराबर हो गया, इसलिए यहां पे कंस्ट्रक्शन लिख दिए। एंड AD जो देख रहे हैं वो दोनों में कॉमन है, AD इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन है, और जैसे ही ये हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफोर यहां पे देख रहे हो ना, साइड एंगल साइड, फिर क्या है, साइड एंगल साइड दोनों का हो रहा है, जैसे ही हुआ तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, है ना, ए बी डी कंग्रुएंट हुआ ए सी डी के, किससे हुआ, साइड एंगल साइड से ये कंग्रुएंट हुआ, और जैसे ही कंग्रुएंट हुआ तो क्या हुआ कि ये एंगल इसके बराबर हो गया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी सी पी सी टी, हो गया क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पे कि जैसे ही ये ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल ए सी डी का, दैट मींस क्या कि इसका ये साइड इसके ये साइड के बराबर, इसका ये एंगल इसके ये एंगल के बराबर, ये दोनों गिवन था और ये दोनों में कंस्ट्रक्शंस के अलोंग हम लोग किए, ए बी दोनों में कॉमन हो रहा था, तो क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ, और कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कहने का क्या मतलब है कि एंगल बी एंगल डी के बराबर, सॉरी एंगल बी एंगल सी के बराबर, एबी एडी सी जो है वो एडी बी के बराबर हो जाएगा, जितना बी डी होगा उतना ही सी डी होगा, है ना, ये सारा का सारा चीज कंग्रुएंट हुआ, मतलब हर एक चीज यहाँ पे निकल जाता है। तो आज के क्लास में बस यही दो थ्योरम के बेस पे आप क्वेश्चंस को बनाएंगे, है ना, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट करेंगे, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो अगले क्लास में हम डालेंगे, है ना, अगले क्लास अगले वीडियोस में उसको बना करके डालेंगे। ये बेसिक दो थ्योरम है, इस थ्योरम को के अच्छे से समझ करके और एक्सरसाइज को आप बनाना आरंभ करेंगे। थैंक यू।